ये मैंने तो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये पोल बन गया आपका, ठीक है, मैंने ये प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चे। पहले इस पॉइंट से मैंने पूरा एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दिया, ये सी पॉइंट है जिससे ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ये रहा पॉइंट, ठीक है, ये मैंने मान लिया एफ, ठीक है। ये मैंने मैथ्स की इसलिए लिया क्योंकि इसमें पूरा एक्यूरेट बनता है, ठीक है। आप कुछ भी प्लेन पेपर भी ले सकते हो, बट मेरे को इससे ये ठीक रहता है, ठीक है। तो ये पी पॉइंट हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद पहले मैं यहां पे हम बना लेते हैं डल पोर्शन, ठीक है, डेल पोर्शन बना दिया। अब मान लो ऑब्जेक्ट कोई भी लाइन है पैरेलल रेज आ रही है, सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरेलल रेज की। पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट है तो मैंने क्या किया, पैरेलल रेज ले ली, ठीक है, पैरेलल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले ली, ठीक है। अगर कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो कहां से पास करना है उसने, फोकस से, ठीक है। तो ये मैंने फोकस से इसको पास करवा दिया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने एक और रे ले ली, ठीक है, एक रे और ले ली, ठीक है, ये भी क्या करवा दी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसने कहां से पास करना है, फोकस से, कहां से पास करेगी बच्चे, फोकस से, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैंने फिर एक रे ले ली, ठीक है, पैरेलल, तो कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये इसमें क्या हो रहा है, हर रे आके यहां पे कन्वर्ज हो जा रही है, ठीक है, यहां पे आ जा रही है सारी। तो इस मिरर को, कनकेव मिरर को और कौन सा बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कौन सा मिरर बोलते हैं बच्चे, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। और इसमें जो इमेज बनती है, इमेज का जो नेचर होता है वो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सॉरी बच्चे, ये कुछ मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही है, ठीक है, पर ये भी इवनिंग का टाइम है, ठीक है ना, तो चलो आने दो, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर है और ये क्या, रियल एंड इनवर्टेड, आगे समझ। इसके बाद देखो फिर अगला अगला केस। अब मैं फिर लेता हूं कनकेव मिरर, लूंगा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं होंगी रेस, इनफाइनाइट सी आएगी, बट ठीक है। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहां से, ठीक है। तो यहां पे 1 2 3 4 5, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पे मैंने रख दिया पॉइंट। यहां पे हो गया आपका पोल, यहां पे क्या हो गया, फोकस, यहां पे क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अब मैंने रेस क्या कर दी, अब ये ऐसे ही है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अगर लाइट रेज आएंगी पैरल, बट नाउ इट इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इट इज इंक्लाइंड, ठीक है, वो इंक्लाइंड है, अब ये इंक्लाइंड है। अगर ये इंक्लाइंड है तो मैंने एक रूल बताया था कि उस वो क्या बनाएंगी। अब हम लोगों ने ये रे ले ली इसके पैरेलल, अब पैरेलल रेज तो लेनी है, बट इट इज नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज इंक्लाइंड टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होगा। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ रेज पढ़ा था, कि यहां से ये जाएगा, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा यहां पे, और जितना ये एंगल होगा उस एंगल से ये निकलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है, और ये इस तरह से निकलेगा। अब दूसरी रे, ये रे ले ली मैंने, अब इसके पैरेलल एक और रे ले लेते हैं, ठीक है। तो जो ये रे पैरेलल लेंगे ना, तो अभी तो मेरे पास परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं है, तो ये फोकल प्लेन बन जाएगा, ये एक प्लेन बन जाएगा, ये प्लेन, ठीक है, इसको फोकस प्लेन बोलेंगे, ठीक है। तो हर जो रे जाएगी पैरेलल ना, वो यहां से होकर जाएगी, तो ये कुछ इस तरह से ज्योमेट्री इसकी बन जाएगी, ठीक है। ये क्यों होता है, ये मैंने पिछली वीडियो में पूरा अच्छी तरह से डिस्कस किया, ठीक है, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। और एक अगर आप रे ले लोगे पैरेलल, ये कुछ इस तरह, अगर मैं पैरेलल रे लूं तो वो भी कहां से पास करेगी, इस फोकल प्लेन से पास करेगी, ठीक है, जो कि इस तरह, ये इस तरह बन जाएगी, ठीक है। तो हर रे क्या हो रही है, ये फोकल प्लेन, ये इसको क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन, ठीक है। यहां से ये सारी रेज इधर बनेगी और ये क्या है, इनवर्टेड, ठीक है, रियल एंड इनवर्टेड इमेजेस बना रहा है, ठीक है, और ये क्या है, फोकल प्लेन है आपका, ठीक है। तो आपको इतना चीज याद रखना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट केस देखो, ठीक है।
तो पहले मैंने वही कंपस यहाँ पे बॉक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग सेट किया है। बॉक्स वाले सिस्टम में मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि इसमें मेरे साथ कई बार लाइन नहीं मेरे से सही लगती, तो ये ठीक रहता है मेरे को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रखा, मैंने बॉक्स सिस्टम से बना के रखा हुआ, 10 बॉक्स वाला सिस्टम बना के रखा हुआ। तो मैंने यहाँ पे कंपस को रेडियस ऑफ कर्वेचर माना हुआ, तो यहाँ पे मैंने रख के ये एक रे लगा दिया। ठीक है, ये बना दिया इस पॉइंट के ऊपर रख के। ठीक है, अब इस पॉइंट के ऊपर रख के मैंने ये रे ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, वही प्रिंसिपल एक्सिस फोकस वाली लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा आगे तक मैं एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद 1 box 2 3 4 5 बॉक्स के इधर ये, यहां पे मैंने पी पॉइंट माना हुआ है, यहां पे एफ माना हुआ है, यहां पे सी माना हुआ है। ठीक है, ठीक है, आगे समझिए इतना। इसके बाद देखो, अब कि जितना मर्जी इसको मैंने सी के पीछे ऑब्जेक्ट को ले लेना है। ठीक है, आप बच्चे स्केल से ले सकते हो, जितना मर्जी स्केल ले लो, वो तो मेरे को मतलब मेरे से स्केल प्लेन शीट पे लाइन पे सही नहीं बनता। ठीक है ना, तो आप किसी भी शीट पे बना सकते हो, प्लेन शीट पे मेरे से लाइन लगती नहीं है। तो यहां पे मैंने रखा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया मैंने। ठीक है, सी से पीछे रखना था ना, मैंने सी से पीछे रख दिया। ठीक है, तो वो पहले रूल क्या है कि वो स्ट्राइक करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल जाएगी, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपना, ये रेज पैरेलल। ठीक है, अगर पैरेलल रेज जाएगी तो कहां से पास करेगी बच्चे, फोकस से। चलो, पैरेलल रेज गई तो कहां से पास करेगी, फोकस से। चलो, फोकस से पास करवा दो। तो मैंने ये क्या करा दिया, इसको फोकस से पास करवा दिया। ठीक है, जब ये फोकस से पास कर गई रे, इसको आगे तक हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, पहला हो गया, पहली रे डायग्राम बना दी मैंने पहले रूल के अकॉर्डिंग, अब दूसरे रूल के अकॉर्डिंग। अब क्या करेगा, अब फोकस से पास करेगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। चलो, फिर फोकस से पास करवाएं। चलो, तो ये मैंने करवा दिया फोकस से पास। ठीक है, जब कोई भी रे फोकस से पास करेगी तो क्या हो जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग क्या बना देंगे, इसको पैरेलल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल हम लोगों ने ये चीज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका ये चीज। ठीक है, अब कहां पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट के ऊपर, जहां पे ये इंटरसेक्ट किया वहां पे क्या हो जाएगी आपकी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इमेज। ठीक है, अब हम लोगों को क्या, हम लोगों ने इसमें क्या ऑब्जर्व किया, सबसे पहला पॉइंट कि रेज एक्चुअल में मीट की है, तो ये कौन सी इमेज हो गई, रियल इमेज। पहला पॉइंट क्लियर है, रियल इमेज हो गया। ठीक है, अगर ये रियल इमेज हो गया, उसके बाद ये क्या बना, नीचे को बना, तो ये क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हो गया। ठीक है, उसके बाद मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1 होता है, या -V/U। ठीक है, या -V/U। ठीक है, अब V क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, U का होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, और ये होता है H2 होता है हाइट ऑफ इमेज, H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और तो ये क्या हो गया, H2 हो गया, और ये क्या हो गया, H1 हो गया। अब हम मेरे को देखने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H2/H1। न्यूमिरेटर H2 क्या है, न्यूमिरेटर में न्यूमिरेटर छोटा है आपका, न्यूमिरेटर छोटा है, और डिनोमिनेटर आपका क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है। जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाती है, 1 से कम हो जाएगी। इसमें केस में क्या हो जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये डी मैग्निफाई हो गया। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा था, इमेज हमारी छोटी बनी है। समझ आ गया पहला केस, अब करते हैं हम लोग सेकेंड केस। ठीक है, ये 10 बॉक्स ले लिए, इसमें 10 बॉक्स में मैंने क्या किया, 5-5 का डिवीजन कर दिया और यहाँ पे कंपस रखा। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर, और मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, मैंने ड्रॉ कर दिया ताकि मेरे को एक सही रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे वही कर देंगे इसका। ठीक है, पीछे वाला डल पोर्शन कर दिया मैंने, समझ गए मेरी बात। अब इसके बाद अब मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, 2 बॉक्स ऊपर का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं हम लोग। इसी केस के लिए मेरे को मैथ्स की शीट लेनी पड़ी, ठीक है, क्योंकि इसमें मेरे को प्रॉपर दिखाना है। ठीक है, 2 बॉक्स के ऊपर की मैंने इसका ऑब्जेक्ट की हाइट ले ली। ठीक है, अब हम लोग यहां से पैरेलल रेज ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पैरेलल रेज जब ड्रॉ करेंगे, तो मैंने पैरेलल रेज को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है,
समझ गए, जब मैंने पैरेलल रे ड्रॉ करी तो कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है। अब हम इसको फोकस से पास करवाते हैं, ये हो गया आपका फोकस, ठीक है। तो मैंने इसको कहां से पास करवा दिया, फोकस से पास करवा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम बनाते हैं इसको इधर वाली साइड से। ये पहला रूल क्या है, मैंने ये लगा दिया इस बार कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल मैं ये लगा देता हूं, अगर ये फोकस से पास करेगी तो ये पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो देखना अब इस बार एकदम एग्जैक्ट बनेगा क्योंकि मैंने मैथ्स वाली शीट ली है, ठीक है। इसी केस के लिए लिए ताकि मेरा एकदम क्लियर बने, ठीक है। ये देखो यहां से गया, इसके साथ स्ट्राइक किया, ठीक है। तो फोकस से पास हुआ तो कहां से जाएगा वो, तो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल रे हो जाएगी, ठीक है। तो हम पैरेलल रे बना देते हैं, तो ये रही आपकी, यहां से मैंने ये रखा लाइन, तो ये होगी इसके पैरेलल। ये देखो एकदम सही जगह कटा है, ठीक है, यहां पे कट गया ये, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है कि अगर देखो दोनों चीजें इसमें मैथ्स की शीट इसीलिए ताकि सारा कुछ आपको दिखे, ठीक है। इसमें ये हो गया इसका इमेज, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं चलाता हूं स्केच ताकि आप देख पाओ। पहली बात क्या है, ये क्या था H1, ये क्या था H1, और ये क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना ही क्या है हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट भी H2 भी कितनी आ गई, सेम आ गई, ठीक है। और इसके बाद ये रे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये रे किस तरह जा रही है, ये इस तरह रे जा रही है, तो यहां से ये पैरेलल आ जाएगी। ये साइन मेरा रह गया था, ये यहां पे क्या था पोल, यहां पे क्या था हमारा फोकस, और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। इतना समझ आ गया आप सबको। और इसके बाद एक चीज इसमें देखने वाली बात, तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है, H2/H1, ठीक है, H2/H1 होता है। तो इस केस में क्या हुआ, H2 और H1 क्या दोनों क्या है, सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो न्यूमिनेटर जितनी वैल्यू, डिनोमिनेटर की भी उतनी वैल्यू, तो कट के क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो इसकी मैग्निफिकेशन क्या आ गई, 1 है। और इसमें एक और चीज, अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, इस तरह था, और इमेज कैसे बनी, नीचे को बनी है, ठीक है। तो ये इमेज अगर इस तरह डाउनवर्ड नीचे बने तो इसको कौन सी इमेज बोलते हैं, इन्वर्टेड, क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड इमेज, क्या बोलोगे, इन्वर्टेड इमेज बोलोगे, ठीक है। एक चीज तो आप ये चीज याद रखोगे। दूसरी बात एक और चीज क्या याद रखोगे, ये रियल में यहां पे मीट किए ना रेस, रियल में मीट किए, तो ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर समझिए केस इंपॉर्टेंट था, ठीक है। फिर अब करते हैं हम अगला केस, अभी मैंने यहां पे सी पे रखा, अब हम रखेंगे सी और एफ के बीच में रखते हैं, ठीक है। चलो फिर अगला केस देखते हैं, ठीक है, आगे समझ, अगला केस देखोगे, सी बिटवीन किसके है यार, ऐसे तो एक लिखना भी बड़ा मुश्किल है, बिटवीन सी एंड सी और एफ के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, सी और एफ के बीच में मैंने अब ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। सी और एफ के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर वही जो मैंने ड्रॉ किया हुआ बॉक्स सिस्टम वाले से एकदम सही डायग्राम बन रही है अपनी। तो यहां पे रखा हो, ठीक है, यहां पे रख के और यहां पे, ठीक है, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर रख के हम लोगों ने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, फिर अब यहां से मैंने अभी इसको स्केच के साथ कर देते हैं, कहां गया पॉइंट, हाँ मेरा पॉइंट अपना, तो इसको हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये चीज, ठीक है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये हो गया आपका डल पोर्शन पिछला, ठीक है, मिरर का। अब इसके बाद अब ऑब्जेक्ट, अब ये कितने बॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, मैंने 5 बॉक्स के ऊपर यहां पे ये लगा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा पोल, यहां पे क्या आ जाएगा फोकस, यहां पे क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इन दोनों में कहीं पे भी रख सकते हो, यहां पे रखो, यहां पे रखो, ये आपकी विश है, ठीक है। मान लो मैं यहां पे रख देता हूं, यहां पे रख दिया मैंने, और 2 यूनिट के ऊपर तक का बॉक्स बना दिया, ठीक है। तो इसके बाद क्या करोगे आप, ठीक है, तो यहां पे अगर आप रख के बनाओगे तो मैंने पहले ही रेस किया जाएंगी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल रेस गई तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से, कहां से पास करेगी, फोकस से, ठीक है, तो फोकस से पास करवा दो। तो मैंने ये करवा दी फोकस से पास, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अगर ये फोकस से पास कर गई तो ये हो गई आपकी फर्स्ट रे, और
ये इस तरह बैक आ गए, ठीक है। अब इसके बाद देखना, अब हम लोग दूसरे रूल अप्लाई करते हैं, कहां से? अब फोकस से पास करवाते हैं। जब मैं इसको फोकस से पास करवाऊंगा तो देखो क्या बनता है, ये इरा, ये फोकस से पास करवाया तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पे कट गया, ये कुछ इस पॉइंट पे, यहां पे आके कहीं पे कटा, ठीक है। देखो अब ये हो गया इमेज, ठीक है। तो इसमें इसमें ना बहुत अच्छे सही ढंग से आपको पूरा क्लियर क्लैरिटी के साथ समझ आ रहा होगा इसमें। अब देखो, अब इसमें जो पॉइंट है वो क्या क्या है, एक तो हमने सी और एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा, सी और एफ में, बट इमेज कहां बनी, सी से पीछे बन गई इमेज, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट का साइज था उससे इमेज का साइज बड़ा आया, ठीक है। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है, जो मैग्निफिकेशन है, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, मैग्निफिकेशन, जो मेरी मैग्निफिकेशन वो क्या आ गई, एच टू बाय एच वन होती है। अभी हम लोग इसको भी पूरा अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन एच टू बाय एच वन, और ये होता है एच वन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच टू क्या होता है हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज ज्यादा मतलब आपका जो न्यूमिरेटर है वो ज्यादा है, अगर न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो आपका जो आंसर है वन से ज्यादा आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैग्निफाइड है, ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं, एक तो मैग्निफाइड है, और इसकी जो ये इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है, इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है, और ये क्या बनी है, एक्चुअल में रेस मीट किए हैं तो ये क्या बनी है, रियल इमेज। समझ गया मेरी बात, आगे समझ, ठीक है। अगला केस देखो फिर। अब बच्चे हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट इज एट एफ, एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। एफ के ऊपर ऑब्जेक्ट रखने के लिए पहले वही रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दे, चलो ठीक है। यहां पे रख लेते हैं हम कंपास, तो ये मैंने ड्रॉ किया रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर दिया मैंने, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से ड्रॉ किया था, कई बार तो पॉइंट ही भूल जाते हैं, ये रहा पॉइंट, तो ये रहा पॉइंट आपका। इसके बाद स्केल कहां गया, एक मिनट, स्केल, वेयर इज स्केल, स्केल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे फिर, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब डिस्टेंस पूरा एकदम मिड पॉइंट बना देना इसको एफ को, ठीक है। तो एफ हो गया आपका मिड पॉइंट, ये हो जाएगा आपका पोल, ये हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां पे डल पोर्शन बना देते हैं हम लोग इसका, ठीक है, पीछे आगे वाला पॉली सरफेस। इसके बाद देखो, अब ऑब्जेक्ट हमने कहां पे रखना है, एट एफ, एट एफ पे रख दिया मैंने, तो ये रखा मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पे रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के रेस पैरेलल लेके जाएंगे। जब इसको पैरेलल लेके जाएंगे तो कहां से पास करेगी बच्चे, फोकस से पास करेगी, ठीक है। तो इसको फोकस से पास करवा दो, ठीक है। मैंने क्या करवा दिया, इसको फोकस से पास करवा दिया, ठीक है, पहला रूल फॉलो करवा दिया। अब दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या बोलता है कि या तो ये वाला लगा दो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला लगाना वो लगा दो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे पास करवा दो, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे इस तरह जाएगी और इसी तरह रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, इसी में जाएगी और यहां से रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। जब रेज अगर यहां पे मीट नहीं ना करी, इनको पीछे ले जाओ और बैक एक्सटेंड कर दो, ठीक है, बैक सी, क्योंकि सी सी जाएगा सी सी पास, तो पीछे तक एक्सटेंड करवा दो, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड पीछे तक करवा दो, ठीक है। एक्सटेंड तो मेरा पेज लग गया पूरा, पर ये देख लो हुआ नहीं। अब अगर इस केस में अगर नहीं होता, अभी आगे जाके भी कभी भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये रेज हमेशा क्या चलेंगी, एक दूसरे के पैरेलल ही चलेंगी। अब ये अगर दो रेज पैरेलल चलेंगी, अब इस केस में हम इमेज कहां बनाए, ठीक है। सबसे पहली बात, इमेज बनेगी यहां पर नीचे जाकर कहीं पे बनेगी, कहां पे बनेगी, एट, अब मेरे को नहीं पता, एट इन्फाइनाइट बनेगी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फाइनाइट। क्यों बनेगी, क्योंकि पैरेलल पैरेलल लाइंस विल इंटरसेक्ट एट इन्फाइनाइट, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्या है, बनेगी तो नीचे, तो ये क्या हो जाएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल क्योंकि आगे जाके पता नहीं कहां पे मिलेगी पर मिलेगी, एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब ये इस तरह बनी है, ठीक है, नीचे को बनी, रियल एंड इन्वर्टेड।
अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एच टू बाई एच वन होता है। एच वन तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इमेज कहां पे बनेगी पता नहीं, कहां पे बनेगी एच वन, मतलब ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर ये ऊपर वाला न्यूमिरेटर आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो नंबर आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज की जो मैग्निफिकेशन होगी वो कितनी लार्ज होगी, हाईली एनलार्ज होगी। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, तो अगला केस करें, चलो फिर अगला केस हम करते हैं। ठीक है, देखो चलो अब हम रखते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एफ एंड पी के बीच में रखते हैं, एफ और पी के बीच में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहां पे रखेंगे क्योंकि ये इस साइड इमेज बनना है। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन इस साइड होगा, तो हम लोग यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे रखा, और ये इमेज के लिए हम लोगों ने पहले ये ड्रॉ कर लिया इसका। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे मैंने क्या कर देना है, ये जो लाइन है इसको ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब लाइन को ड्रॉ कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे आपको कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सी, जो मैंने बताया था। यहां पे क्या आएगा आपका पोल, यहां पे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, फोकस। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका डल पोर्शन। ठीक है, बिटवीन एफ एंड बी बनाना, और ये बच्चे हैशटैग सीबीएसई ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से एक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे ये देखना ध्यान से। अब इसके बाद अगर मैंने ये बना दिया, अब मेरे को ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, यहां पे। ठीक है, एफ और पी में कहीं पे भी रख लेते हैं। ठीक है, एफ फोकस और पोल में कहीं पे भी रख लेते हैं, मैं मान लो यहां पे रख लेता हूं, इट्स योर विश, आप कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, बट एफ और पी के बीच में पॉइंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट कहीं पर भी हो। ठीक है, यहां ये मैंने इतना ऑब्जेक्ट का साइज ले लिया। ठीक है, इतना ऑब्जेक्ट का साइज ले लिया, अब मैं क्या करूंगा, इमेज फॉर्मेशन इसकी कर देता हूं। ठीक है, पहली रे क्या आ जाएगी, पैरेलल जाएगी। अगर कोई भी रे पैरेलल जाएगी तो कहां से पास करेगी बच्चे, कहां से पास करेगी, वो पास करेगी आपकी फोकस से, तो इसको फोकस से पास करवा दो। तो मैंने ये क्या किया, इसको फोकस से पास करवा दिया, फोकस से पास करवाया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला रूल। दूसरा रूल मेरा क्या बोलता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको करते हैं हम लोग। ठीक है, ये कुछ इस तरह, ये है इस तरह। ठीक है, यहीं से जाएगा और यहीं से रिटर्न हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे आप इधर चलते जा रहे हो, ये बढ़ता जा रहा है ना, ये गैप विड्थ बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जितना आगे जाते जाओगे उतनी विड्थ आगे बढ़ती जाएगी। तो मतलब ये यहां पे कहीं पे रे कटेगी नहीं, अगर यहां पे कटेगी नहीं तो इमेज तो बनेगा नहीं, बट ये इधर तो कट सकता है ना। ठीक है, तो इस ऐसी इमेजेस को हम वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। कौन सी इमेजेस बोलते हैं, वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। अब ये बनेगा कैसे, इस लाइन्स को हम लोग क्या करेंगे, इधर को एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को मैं क्या करता हूं, इस साइड एक्सटेंड कर देता हूं, और इस साइड एक्सटेंड करने के लिए हम लोग डॉटेड डॉटेड लाइन्स बना देते हैं। ठीक है, डॉटेड डॉटेड, ठीक है, डॉटेड लाइन्स बना दी, डॉटेड लाइन इधर बना दी और डॉटेड लाइन इसकी मैंने बना दी। ठीक है, तो ये जहां भी कटेगा वहां पे क्या हो जाएगा आपका, इमेज का फॉर्मेशन। ठीक है, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये कहां, जहां पे भी कटेंगी, जहां पे भी कटेंगी तो वहां पे आपकी क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, आगे बात मेरी समझ। ये देखो ये हो गया यहां पे, तो ये पॉइंट आ गया आपका, ये जहां पे कटी तो वो हो गया आपका पॉइंट। ठीक है, तो ये आपकी कुछ इस तरह ये रही इमेज। ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी इमेज बनी है। ठीक है, ये हो गया इमेज, ये हो गया H2। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया आपका, H1। ठीक है, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, H2 by H1। अब H2 is very very large, ठीक है, आपका जो न्यूमिरेटर है वो बहुत ज्यादा है देन डिनोमिनेटर, तो मैग्निफिकेशन क्या आएगा आपका, वन से बड़ा आएगा। ठीक है, तो मतलब इमेज क्या हो गई, हाईली एनलार्ज हो गई, और इसका नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आगे समझ के इस, अब हम लोग देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर के भी आज रे डायग्राम्स पहले हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, चलो फिर अगली रे डायग्राम हम सीखते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की लाइन ड्रॉ कर दी, अब इसके बाद 1 2 3 4 5 के ऊपर ये यहां पे आपका आ जाएगा फोकस। ठीक है, ये उसका हो गया फोकस, बट
ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसमें क्या बात है, इसका जो डल पोर्शन है ना वो इनसाइड है, इधर वाली साइड है, ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग ये कन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कनकेव मिरर के हमने सारे केसेस पढ़ लिए, ये है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इसमें आप लोग क्या करोगे, इस कन्वेक्स मिरर में हम लोग पहले रखते हैं, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं। मैंने मान लो पैरेलल रेज आ रही है, तो पैरेलल रेज मैंने यहां से आएगी पैरेलल रेज, तो पैरेलल रेज यहां से आई, जो ये पैरेलल रेज यहां से आई तो ये अब कहां से पास करनी चाहिए, फोकस से। अभी फोकस से कैसे पास करें, फोकस तो इसका उस साइड है, उस साइड ये जा नहीं सकता क्योंकि रिफ्लेक्ट तो इसने यहां से होना है। तो हम लोग क्या दिखा देंगे उसको, इस तरह कुछ दिखा देंगे कि हाँ जी चलो ये होना चाहिए इस तरह, ठीक है। तो ये इसका इस तरह हम लोग ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन शो कर देंगे, क्योंकि ये रियल में नहीं है, वर्चुअल में, ठीक है। उसको बैक एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल रे आई तो कुछ ही इस तरह बिहेव कर गई, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी, जो दूसरी रे मैं ड्रॉ करूंगा वो ऐसे ड्रॉ कर लिए हम लोगों ने, फिर एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन ले ली, ठीक है। जो भी पैरेलल लाइन लोगे, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगी, यहां से आपकी पास हो जाएगी, कहां से पास होने की, फोकस से। तो ये फोकस से आप पास तो करवा नहीं सकते, इसको डॉटेड लाइन लगाओ, डॉटेड लाइन जब लगाओगे इसको बैक एक्सटेंड कर दो, ठीक है। ये कुछ इस तरह हो जाएगी, ठीक है। अब यहां भी एक लाइन, एक रे ले लेते हैं हम लोग, यहां पे मैंने ली एक पैरेलल रे ले ली, ठीक है। पैरेलल रे लेके इसको यहां से हम लोगों ने कहां से पास करवाया, यहां से, यहां से मैंने क्या लगवा दी इसकी, डॉटेड डॉटेड लाइन लगा दी। जिसकी अगर मैंने डॉटेड लाइन लगाई तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यहां से इधर आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी इस तरह हुई और ये भी इस तरह चले जाएगी, ठीक है। और एक और रे लोगे वो, मतलब ये क्या हो रहा है, मिरर ये डाइवर्ज कर रहा है रेस को, ठीक है, ये डाइवर्ज रेस कर रहा है। तो इसलिए इसको कौन सा मिरर बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, ठीक है। ये पैरेलल रेस की हम लोगों ने बात कर ली कि इसमें डाइवर्जिंग मिरर, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, और क्योंकि इसमें रेस सारी इस तरह बाहर को निकलती है, ठीक है। इसका जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है। ये डाइवर्जिंग मिरर, और इसको कौन सा मिरर बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, समझ गए मेरी बात। अगला इसका केस हम लोग कहीं पे भी रखोगे तो इमेज कहां पे बनता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। ड्रॉ कर देना है पॉइंट, ये इस तरह रख के, ठीक है। तो ये मैंने पॉइंट ड्रॉ किया, तो ये रहा आपका ये पॉइंट, यहां से ये इसका होगा कर्वेचर, कर्वेचर से मैं इसको इधर लेके आता हूं, ठीक है। इधर ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मैंने सारा ड्रॉ कर दिया। अब ये कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर में ये सारा क्या होता है, अंदर वाली साइड डल पोर्शन होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोल, ठीक है। फोकस कहां पे होगा, 1 2 3 4 5, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया इसका फोकस, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, इसमें आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखोगे इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा, ठीक है। अब देखो कैसे बनेगा, अब मैंने मान लो यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, कहीं पर भी रख दो ऑब्जेक्ट, यहां पे रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट मैंने यहां पे रख दिया, तो पहला रूल मेरा क्या बोलता है कि पैरेलल रेज जाएगी, तो पैरेलल रेज कहां से पास करती है, पैरेलल रेज जाएगी और पैरेलल रेज कहां से पास करेगी, फोकस से। पर फोकस पे तो ये जा नहीं सकता क्योंकि यहां पर इसका पॉली सरफेस तो इस साइड है, तो यहां पे ये हम क्या दिखाएंगे, वर्चुअल और इरेक्ट की तरह इसको दिखाएंगे, वर्चुअल रेज जाएंगी यहां पे, तो यहां पे जा तो सकता नहीं क्योंकि ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यहां से होना, तो हम मान लेंगे कि ये यहां से ये इसका डॉटेड डॉटेड शो कर देते हैं, ठीक है। ये डॉटेड है तो ये यहां से बैक जाएगी, समझ गए मेरी बात। तो यहां से ये चल गई बैक, ये इस तरह कुछ, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा रूल क्या बोलता है कि जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है सी से जाएगा और सी तक, सी से जाएगा, ठीक है, पोल और फोकस के बीच का, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसे गया सी से, और सॉरी ये मेरे पास स्केच से बन गया, ये हमें डार्क नहीं बनाना था, ये हमें कैसे बनाना था, डैश 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 लाइन लगानी है, डैश 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 लाइन्स लगानी है, क्योंकि ये वर्चुअल लाइन्स है ना, और ये यहां पे ये हो जाएगा आपका इधर से, ठीक है। तो ये कहां पे कट गया, यहां पे, तो इमेज विल फॉर्म डेट हेयर, और ये क्या होगी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, कौन सी इमेज होगी बच्चे, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ठीक है।
वर्चुअल एंड इरेक्ट।